I am not SEBI registered. I am just sharing my views here for my friends which wish to take my help. Do trade or invest at your own risk. I'm not responsible for any losses and won't claim anything from your profits either. Be aware of what you are trading and take financial advices from your advisors before jumping in. Hi everyone. लास्ट वीक हमने कहा था कि अगर बुल साइड रहेगी मार्केट तो फिर से हमारी जो पुरानी ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर एक बार आ जाना चाहिए और बेयर केस में नीचे जाने का था। अब हुआ ये है, 5 दिन जो कैंडल बनी है वो लगभग एक दूसरे के आसपास है और ना इस डायरेक्शन में गया है ना इस डायरेक्शन में। नॉर्मली मैं कहता हूँ दो ही डायरेक्शन है, ऊपर या नीचे, पर ये वाला जो है वो ऐसा दौर है जहाँ पे स्टॉक या मार्केट कुछ नहीं करता, जिसे कंसोलिडेशन कहा जाता है। तो अब ये थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन जारी रहेगा और अगर आप मून फेज देखेंगे तो मून फेज इंडिकेटर में भी हर अमावस्या के आसपास कंसोलिडेशन ही कर रहा है मार्केट पिछले 2-3 अमावस्या से। तो जो लोग मेरे पुराने वीडियो में देख चुके हैं मून फेजेस को, वो वहाँ से आपने चार्ट्स पे मून फेजेस लगाकर एक बार फिर से आप देख सकते हैं। अब इस कंसोलिडेशन से बाहर आना है तो नीचे की ओर जो हमारा ये लेवल है उसे हम इंटैक्ट रखेंगे। ये लेवल जो है वो दूसरा सपोर्ट है, ऊपर एक रेजिस्टेंस का एक और लेवल बना देंगे तो अपना काम हो गया। फिलहाल रुक रहा है इसलिए रेड बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ आता है तो मंदी करनी ही करनी है। इसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं एक बार। वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखिए स्मॉल बॉडी वाला दोजी बना है, यानी इनडिसाइजिव है, पर क्योंकि कलर ग्रीन है इसलिए हल्का सा बायस ऊपर की ओर रहेगा। क्योंकि ऊपर गया नहीं है इसलिए इसे हम यहाँ पे ले आते हैं और ये 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद ही ऊपर जाएगा, तो उसे मैं थोड़ा दूर प्लेस कर रहा हूँ और नीचे जाने के लिए भी उसे हमारे एक सपोर्ट लाइन को तोड़ना होगा, तो इसलिए उसे भी हम यहीं कहीं बनाते हैं। चलो एंगल वाले की जरूरत नहीं है, रे ले लेता हूँ। ऑल टाइम हाई देखने के लिए हमारा पिछला ये जो कंसोलिडेशन वाला लाइन है 22,550, उसके ऊपर टिकना जरूरी है और नीचे जाने के लिए ये थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं हम। इस कैंडल के लो पर जो है 22,220 या 30 के बीच में, उसे तोड़कर टिकना जरूरी है नीचे जाना है तो। उसके बाद भी पहला सपोर्ट हमारा 21,800 तक रहेगा। ये लेवल सभी के हो गए जो इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा ऊपर की ओर मार्केट कहीं भी जा सकता है। नॉर्मली 22,800 तक हम गिनते हैं, पर जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा हम वहाँ पे लाइन नहीं बनाएंगे। बस व्यू पॉजिटिव रखना है आपको और RSI पे भी बहुत प्रॉब्लम नहीं है डेली में,
वीकली में बहुत टाइम से ओवर बोट चल ही रहा है, थोड़ा थोड़ा करेक्शन आता रहता है। अब क्योंकि कंसोलिडेशन फेज है इसलिए एक्शन कम देखने को मिलेगा, तो पूरा एक्शन अब स्टॉक की ओर करना है। स्टॉक में डायरेक्ट लेने के वैल्यूएशन है नहीं, और अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आपको फालतू में क्यों टेंशन लेना है देखने का, आप हमारे जैसे म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करिए। और म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है तो कमेंट कीजिए या फिर अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल दीजिए, हमें हम आपको कांटेक्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली वीकेंड।